आप देख रहे हैं दखल न्यूज। धमतरी में जब एक सरकारी अधिकारी कुछ लोगों के साथ स्ट्रांग रूम में कुछ घंटे तक घुसे रहे तो हंगामा हो गया। स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे नेताओं ने इस पर आपत्ति की तो कलेक्टर ने बताया कि स्ट्रांग रूम में कैमरे लगाए जाने का काम चल रहा था। धमतरी के स्ट्रांग रूम में उस समय माहौल गर्मा गया जब तहसीलदार राकेश ध्रुव स्ट्रांग रूम के अंदर घुस गए। उनके साथ दो इलेक्ट्रिशियन भी घुसे थे। लगातार तीन घंटे तक ये सभी अंदर रहे, जबकि बार बार उनकी मौजूदगी को लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक आपत्ति करते रहे। खबर मिलते ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहन लालवानी, एसपी पी चंदेल समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील शर्मा ने मौके पर पहुंचकर बताया कि कलेक्टर के निर्देश के बाद यहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, जिसके लिए वायरिंग का काम किया जा रहा है। ये कुछ राजनीतिक दल हम लोग गए थे वहां पर स्ट्रांग रूम देखने के लिए, मैं एसपी और डिप्टी, वहां पर जो राजनीतिक दल और इनका जो अभ्यर्थी है वहां पर, इन लोगों का मांग था कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा, तीनों स्ट्रांग रूम के सामने जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसको हम लाइव डिस्प्ले दिखा रहे थे, उसमें मॉनिटर छोटा हो गया, फिर अंदर पेरीमीटर के अंदर नहीं जाने करके इसको बाहर शिफ्ट करने के लिए कल राजनीतिक दल द्वारा मांग किया गया है। उसको शिफ्टिंग करने के लिए आज राजनीतिक दल के सामने वहाँ पर गए। उसमें इन लोगों का आरोप था कि वहाँ पर ज़्यादा समय लोग रुके थे और बिना एंट्री के किए। हम लोग चेक किया, वहाँ पर एंट्री है और जो ARO जो लेके गया था पटवारी को लेके गया था, शोकास नोटिस दिए हैं और अगले CPF को भी निर्देश दिए कि जब जी अंदर शामिल हो जाएंगे पॉलिटिकल एजेंट या कैंडिडेट जरूर जा सकते हैं। कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनके पास, जिसके पास वो नहीं है ID कार्ड जो हम इशू किए वो नहीं है, इस फॉलो नहीं किया है, इसे जो शिकायत आया था। फिर इसके बाद जो कैंडिडेट को बुलाए थे कुल का, सिहाव का और दमदरी का कैंडिडेट आए थे, उसके सामने सभी स्ट्रांग रूम जो अंदर ले गए थे स्ट्रांग रूम संतुष्ट। कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम के परिसर में जाने के लिए तहसीलदार समेत दो इलेक्ट्रिशियन को इजाजत दी, जबकि वहां पांच लोग स्ट्रांग रूम में गए। कांग्रेस के आरोप के बाद उप जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने कहा कि दो अन्य लोग अंदर कैसे घुसे वह इसकी जांच करेंगे। विधायक गुरमुख सिंह होरा, आनंद पवार और दिग्विजय सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्य पर सवाल उठाते हुए उसे गंभीर त्रुटि बताते हुए उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी तत्वों पर कार्रवाई की मांग भी कांग्रेस ने की है। हार रही है, ये बड़ा क्लियर हो गया है, इसलिए निर्वाचन अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि ये दोनों सीट किसी भी हालत से जीतना है। और जैसे ही इनको ये लगा है कि निर्देश दिया गया है जीतने के लिए, उसी वक्त से ये सब कार्रवाई हो रही है। इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे हैं, जहां तहसीलदार की जो ड्यूटी है वो अपने ड्यूटी के अलग वहां पे पटवारियों को नियुक्त किया है, क्योंकि इनको जो चेंज करना है और जो गड़बड़ियां करना है इसलिए इनको अलग से व्यक्ति की ज़रूरत है। और एक इलेक्ट्रीशियन जो बुलाए हैं वो भी दुरुग से बुलाए गए हैं, वो भी एक ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन जो होना चाहिए इनको गड़बड़ी करने के लिए। इस तरीके के ऐसे लोगों को बुलाया गया और दो घंटे तीन घंटे एक TV चेंज करने के लिए, वायर डालने के लिए, किसी भी काम के लिए 15 मिनट लगते हैं, जिसको दो घंटे हो गए वहाँ पे अंदर क्या गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। और किसी भी दल के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आपने वहाँ पे भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, जबकि बाहर बैठे हैं तो बाहर बैठे हुए लोग क्या करेंगे। ये सीधा सीधा मैं तो समझता हूँ कि निर्वाचन अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर भी जो कार्रवाई कर रहे हैं, इनको कलेक्टर को तत्काल यहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए और तहसीलदार के ऊपर जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।